नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भारतीय जनता पार्टी का आज बर्थडे है। जी हां, 6 अप्रैल 1980 में शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा देखते ही देखते कई पड़ाव व मंजिलों को तय कर चुकी है। कभी दो सांसदों वाली यह पार्टी आज की तारीख में दूसरे सहयोगी दलों के लिए 2-4 सांसद व विधायक जितवा रही है। इस मौके पर देश के दो दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं और जनता को भाजपा की उपलब्धियों को ब्यौरा दिया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। संघर्ष से सेवा तक, बीजेपी के 42 साल। देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा। लोकसभा में 2 सीटों से हुई शुरुआत। आज प्रचंड जीत के साथ सत्ता में भाजपा। भारत माता की जय के नारे के साथ मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। भारत माता की। और ये नजारा उस वक्त का है जब भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पहले तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। वहीं लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शुमार पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। जबकि इस मौके पर सीएम ने विधानसभा चुनावों में जीत के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है और ये यात्रा बहुत कुछ बयां करती है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सब का जुड़ाव, हम सबको न केवल अपनी राष्ट्रनिष्ठा बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रदान करता है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन खास अहमियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में 6 अप्रैल को ही हुई थी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।